हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडा। एंड रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि मैप फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। देखिए, जिस तरह आप एक लूप चलाते हो उसी तरह आपको इटरेशन के लिए मैप फंक्शन का यूज करना होता है। तो उसके लिए आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो डेटा हो सकता है आप एपीआई कॉल करवा के ला रहे हो, या फिर डेटाबेस से ला रहे हो, या फिर हो सकता है आपने स्टेट बना के कॉल किया है। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टेट को कॉल करेंगे, और जो डेटाबेस वगैरह है वो हम आने वाले सीरीज में देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम काउंटर वाला प्रोग्राम किया था, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से भी रिमूव कर लिया क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। इसको यहाँ पे बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टेट बनाया, तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट कर दिया, सुपर कीवर्ड दिया। अब यहाँ पे स्टेट बनाएंगे, तो दिस डॉट स्टेट। अब देखिए, यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उसी में हम इटरेशन करवाएंगे। तो एक एरे बनाया और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नेम में संजीत कर दिया, एक और ले लेते हैं ईमेल, यहाँ पे हम कर लेते हैं sanjit@gmail.com। एक कर लेते हैं फोन, इसमें कुछ भी ले लो, ये कर लिया। अब यहाँ पे एक आपको कॉमा देना होता है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, फाइव डेटा और आ गए हमारे पास। यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं, तो सपोज यहाँ पे मंजित कर दिया, यहाँ पे भी मंजित कर दिया, इसमें कुछ भी ले लेते हैं, नाइन कर लेते हैं, इसमें एट कर लेते हैं, इसमें सेवन कर लेते हैं, इसमें सिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे आर कर लेते हैं, यहाँ पे भी आर कर लिया, यहाँ पे पी कर लेते हैं। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट समझना है। और यहाँ पे केंजित, ठीक है, सपोज ये हमारा नेम है, इसे हमें आप इटरेट करवाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, रेंडर मेथड में आप दिस डॉट स्टेट को कॉल करवाते हो। तो यहाँ पे आपको दिस डॉट स्टेट लिखना है, उसके बाद आपको डॉट मैप करना है, उसके बाद आपको एक ब्रैकेट देना है, और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लेना है। तो सपोज हमने ले लिया डेटा, अब ये डेटा क्या करेगा, जो भी यहाँ पे हमारे एलिमेंट है इसको इटरेट करवाने का काम करेगा। तो यहाँ पे डेटा लिया, उसके बाद एक एरो फंक्शन लेना होता है, तो यहाँ पे एरो फंक्शन लिया, उसके बाद यहाँ पे एक फिर से पैरेंथेसिस लेते हैं और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉल करवाना है, तो वो कैसे करते हो, तो उसके लिए आपको एक टैग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे पी टैग लिया, और यहाँ पे आपको एक कर्ली ब्रैकेट में डेटा को कॉल करना होता है। तो यहाँ पे हमने सपोज कर दिया डेटा डॉट नेम, सेम हम ईमेल के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया डेटा डॉट ईमेल, ये हो गया हमारा। और सेम हम कर लेते हैं फोन के लिए, तो यहाँ पे हो गया हमारा डेटा डॉट फोन, ये हो गया हमारा। और इसी में हम क्या कर लेते हैं, इसको नेम लिख दिया ताकि हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा से आए। ईमेल हो गया, और ये जो होगा वो फोन होगा। तो ये हमारा बन गया है। अब क्या करते हैं कि जो भी आपने बनाया इसको एक वेरिएबल पे असाइन करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट फाइनल डेटा कर लेते हैं। तो फाइनल डेटा इक्वल टू, ये सारी चीजें इस पे असाइन हो जाएगी, और इस फाइनल डाटा को यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, कंट्रोल वी। बस यही आपको करना था। आप npm स्टार्ट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो ब्राउजर पे गया, तो देखिए यहाँ पे सारे डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो इस तरह आप मैप फंक्शन यूज करते हो। अब देखिए, यहाँ पे यदि कंसोल पे जाओगे, कंसोल पे कैसे जाते हो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पे कंसोल। तो देखिए यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, ईच एलियन लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉपर्टी। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक एपीआई कॉल करवाते हो या फिर एक स्टेट को कॉल कर रहे हो और नंबर ऑफ डेटा को आप इटरेट करवा रहे हो, तो उसमें वो बोलता है कि आपको एक यूनिक की लेना जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे एक अलग से कुछ भी ले सकते हो। सपोज यहाँ पे आइटम लिया मैंने, तो ये किया, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट ले लिया। तो ये करना होता है आपको, और इसी आइटम को आप कुछ भी ले सकते हो।
यहां पे की कीवर्ड लेके की इक्वल्स टू एक कर्ली ब्रैकेट लिया और यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करोगे तो वो एरर दूर हो जाता है। तो देखिए यहां पे वो एरर दूर हो गया। दूसरा मेथड क्या था कि आप यहां पे कुछ नहीं दो और जो भी आपके पास यहां पे डेटा पड़ी हुई है इसी में किसी को आप यूनिक ही बना लो। तो सपोज यहां पे की इक्वल्स टू डेटा डॉट नेम भी हम लिखते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए यहां पे भी वो हट गया है। तो आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन फिलहाल के लिए आप ट्राई करना कि यहां पे एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको यहां पे पास करवा देना है। आप और क्या कर सकते थे, यहां पे एक आईडी क्रिएट कर सकते थे और उसको यहां पे पास करवा सकते थे। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पे आईडी ले लिया 1 और यहां पे भी ले लिया आईडी 4। आईडी से बेसिकली यूनिक की मेंटेन करना इजी हो जाता है तो इसीलिए यहां पे आप पास करवा सकते हो आईडी। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया तो देखिए यहां पे भी आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। तो एक डेवलपर को कंसोल रीड करना आना बहुत जरूरी है। तो आप जितना काम कर सकते हो कंसोल पे वो करो, आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।